हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिसेस तामसेन और आज हमारे साथ हैं आलोक कुमार पांडे, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 216 यानी 216 अचीव किया है। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, किस टिप से इन्होंने प्रिपरेशन किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन किया, अलग अलग सब्जेक्ट की क्या रणनीति इन्होंने बनाई, और इनकी जो जर्नी रही एक ऑफिसर से, एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, आज उनके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आलोक कुमार पांडे का। हेलो हाँ, आप। थैंक यू सर. थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी एंड थैंक यू टू द होल अभिपीडिया टीम फॉर इनवाइटिंग मी. जी आलोक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से और हमारे अभिपीडिया टीम की तरफ से। ठीक बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर. है, एक मिनट बस। जी आलोक, आप अपने बारे में बताएं हमें कुछ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो मेरी स्कूलिंग डिफरेंट स्टेट्स में हुई है. मैंने इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल फील्ड से फ्रॉम जी पन. तो मैंने मल्टीपल टाइम्स मेंस भी दिया है, पर उसके बाद ईपीएफओ का फॉर्म आया तो मैंने इसकी तैयारी करी 1 साल तक. एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो मैं अभी वर्किंग भी हूँ साथ में. जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप क्या यूपीएससी के अलावा आपने कोई और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। नहीं सर, इनिशियली तो मैंने केवल यूपीएससी पे फोकस किया 3 साल तक. उसके बाद जब लगा कि यूपीएससी कहीं नहीं निकल रहा है तो मैंने फिर बाद में कुछ लो लेवल के फॉर्म्स भी भरे थे, पर फिर कोरोना आ गया तो एग्जाम्स हुए नहीं. तो फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डीएफसी का आया था फॉर्म, मैंने वहाँ फिल किया तो मेरा वहाँ हो गया. तो मैं भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वर्किंग हूँ और साथ में ईपीएफओ का एग्जाम दिया था तो वो भी निकल गया है. अगर हम लोग बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज एग्जाम और यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, लेकिन आपको कितना फायदा मिला आपका, अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज से आपकी प्रिपरेशन कर रहे थे उसके साथ, अगर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की बात करें तो उसमें कितना फायदा हुआ आपको। हाँ सर, अगर हम सिलेबस देखें ईपीएफओ का और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो जो जीएस पार्ट है जो कि ऑलमोस्ट 80% या 90% इसमें कवर करता है, तो वो तो पूरा सिमिलर है. पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब करंट अफेयर्स, ये सब सिमिलर है, तो वो चीज़ मेरा पहले ही कवर अप हो चुका था कहीं ना कहीं. तो मेरे को जो मेन फोकस करना था वो अकाउंट्स, लेबर लॉज, जो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो केवल ईपीएफओ में आती है, उन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया. और जीएस पार्ट पहले से कवर था तो उनको मैं थोड़ा सा कम फोकस किया था, तो बेनिफिट तो डेफिनेटली मिला था सिविल सर्विस. चलिए अगर हम लोग बात करें अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज की, तो अगर अपने वीक एरियाज पे अगर हम लोग बात करें कि वीक एरियाज जो थे आपके, उस पे क्या किस टाइप से आपने काम किया। सर, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिर इंजीनियरिंग करी, तो जो अकाउंट्स था मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट था, क्योंकि मतलब मेरा उससे कोई लिंक ही नहीं रहा था. तो उसके लिए मैंने, अब तो यूट्यूब है अवेलेबल हमारे पास तो, और उस पर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज देखे, इंक्लूडिंग मैंने अभिपीडिया के जो वीडियोज हैं आते हैं उनके, वो भी मैंने काफ़ी देखे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था. और मैंने मतलब रिपीटेडली देखा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार देखा, मैंने मल्टीपल टाइम्स एक ही वीडियो को देखा ताकि वो चीज़ें ग्रैस्प हो जाए इजिली. उसके जी बाद फिर जो 11th 12th की बुक्स थी मैंने उसको भी रेफर किया थियोरटिकल पार्ट के लिए, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें ईपीएफओ का तो उसमें जो क्वेश्चन है केवल थ्योरी बेस्ड है, तो मैंने थ्योरी पे ही मेनली फोकस किया और क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने थ्योरिटिकल पार्ट ऊपर ऊपर से ही कवर किए थे. और अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की बात करें तो उस पे क्या किया था, उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी। सर, इस सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया था, क्योंकि जो नए 4 कोर्ट्स आए हैं मुझे लगा था कि उनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने मतलब ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चारों कोर्स को डाउनलोड किया, उनका प्रिंट आउट किया और मैंने लाइन बाय लाइन उनको पढ़ा था. एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी क्वेश्चन आएंगे उनमें से, पर अनफॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चन आया नहीं उनमें से. और जो पुराने लेबर लॉस थे उनकी मैंने समरी देखी थी गूगल से, तो जो जी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो उन समरी से हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन काफ़ी डीप आए थे, तो जो समरी पढ़ी थी मैंने लॉस की उसी से सारे क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट. इसमें से एक सब्जेक्ट था हमारे पास सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन इसमें मतलब एक मेंशन कर दिया गया था कि सोशल सिक्योरिटी पूछा जाएगा, तो फिर उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया। जो सर सोशल सिक्योरिटी सिविल से पूछा आया था वो कहीं ना कहीं अलग है, वो एक एप्लीकेशन बेस्ड है, पर जी अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो थोड़ा थ्योरेटिकल आया था सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन किसने क्या दी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा पूछा गया है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, पर उसके लिए मैंने यूट्यूब ही रेफर किया मेनली, तो उससे हो गया था मतलब वो भी. जी और और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह थी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड वो मैंने देख ली थी. अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की क्या किस टाइप से स्ट्रैटेजी थी।
करेंट अफेयर के लिए थोड़ा सा ईपीएफओ और सिविल्स में डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो जो ईपीएफओ करेंट अफेयर्स है वो मोर ऑफ अ फैक्चुअल काइंड है, जबकि जो सिविल्स में पूछा जाता है काफी एनालिटिकल होता है। तो जी अगर हम जैसे कि अगर हम उन सोर्सेज को रेफर करें जो हम सिविल्स के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि हम ईपीएफओ में एक्सेल ना कर पाए, तो मैंने इसके लिए मेनली जो एसएससी के लिए करंट अफेयर्स आते हैं उनको प्रेफर किया था, क्योंकि ईपीएफओ में फैक्चुअल थे और वो भी फैक्चुअल आता था, तो वहां से मैंने इसको किया था कवर अप। जी अगर हम लोग जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के बारे में कि थोड़ा सा अलग था, वहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है। अगर हम लोग वही बात अगर इंग्लिश के ऊपर भी बात करें कि इंग्लिश की वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग टाइप से पूछे गए जाते हैं यूपीएस सिविल सर्विसेज में, और अगर हम लोग ईपीएफओ की बात करें तो यहाँ पे अलग टाइप से पूछा गया था, तो उसको उसके लिए फिर क्या किया था आपने? हाँ सर, जो इंग्लिश था अगर सिविल्स में बात करें तो सेकंड पेपर टीचर्स में इंग्लिश आता है, तो उसमें क्या होता है कि मेनली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप पैराग्राफ से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो। लेकिन जो इसमें था हमारा ईपीएफओ में वो प्योरली ग्रामेटिकल था, मेनली 95% ग्रामेटिकल ही था। तो इंग्लिश में एज तक मैंने कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इंग्लिश मीडियम ही रहा है, तो मेरे को ज्यादा हार्डवर्क कुछ नहीं करना पड़ा। पर हाँ, हमें इसमें ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ईपीएफओ के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ग्रामर पर ज्यादा ध्यान दो, कि सेंटेंस क्वेश्चन फ्रेमिंग हमारा कैसे क्वेश्चन है। भी बहुत ज्यादा पूछते हैं यहाँ से यहाँ से। हाँ, अराउंड 20 क्वेश्चंस के वेटेज तो काफी अच्छा था अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, तो इंग्लिश वाले नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम इस पेपर में, आपको मतलब अगर मेरिट माना तो इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, करना जैसे कि पड़ेगा। आने वाला पेपर आपका एपीएफसी है, यूपीएससी एपीएफसी, उसमें भी इंग्लिश इसी मतलब लगभग इसी टाइप से पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, इंग्लिश का वेटेज भी इतना ही रहेगा और ऐसा ही रहेगा मेरे ख्याल से। अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने किस टाइप से की थी? इंटरव्यू तो इसमें क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल सर इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मतलब 50% मार्क्स तो मिनिमम था ही, क्योंकि उससे नीचे आप करोगे तो आप मतलब फेल हो जाओगे। रिटर्न में कितने मार्क्स थे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इंटरव्यू 50% मार्क्स स्कोर करना काफी जरूरी था, तो उसका एक अलग ही प्रेशर था सबके ऊपर तो उसके लिए फिर मैंने मतलब यहाँ से लीव ली थी 15 डेज के अराउंड, और मैंने मतलब काफी जगह मॉक इंटरव्यू दिए थे इंक्लूडिंग अभिपीडिया। तो वो मॉक्स तो डेफिनेटली दो आप, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वैसे आप खुद से कितने प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना पढ़ा है आपने, वो चीज ठीक है, पर जब कोई सामने आपको एनालाइज करता है, फीडबैक देता है, तो वो चीज डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा घर पे मतलब मेरा भाई खुद मेरा मॉक इंटरव्यू लेता था, मतलब वो मुझे नॉर्मली बैठ के पूछता था क्वेश्चन, तो कि मेरा आई कॉन्टेक्ट कैसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो वो चीजें मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी इस चीज के लिए। और बाकी जैसे बेसिक चीजें होती है, डैप होता है, तो डैप को तो आपको तैयारी करना ही है पूरा का पूरा, जो हम बताए डिटेल। पर इसके अलावा आप तैयार रहो कि कुछ सरप्राइज आपको मिलेगा वहाँ पे। जैसे मेरे साथ भी काफी सरप्राइजिंग था कि मैंने मतलब जैसे मधुबनी से बिलोंग करता हूँ, एक्सपेक्टेड था कि मधुबनी पेंटिंग वगैरह पूछेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। मतलब वैसे काफी चीजें मतलब पूछी गई जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे मैं डीएफसी में वर्क कर रहा हूँ करेंटली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डीएफसीसीएल। ये मतलब काफी मतलब हाई लेवल की चीजें जो मतलब हमें नहीं पता है अभी। और उसके अलावा काफी चीजें पूछा, जैसे एनिमल राइट्स से मेरे व्यूज क्या है, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली आप प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ स्पीच ऑन एनिमल राइट्स, डू यू रिमेंबर इट। तो मेरे को वो चीज़ें याद नहीं थी, तो ऐसा होता है कई बार कि हम जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो चीज़ें नहीं पूछ जाती, अलग अलग चीज़ें पूछ जाती हैं। पर वहाँ पे काम रहना है बिल्कुल, और ध्यान से सुनना है, और जो आता है उसका आंसर करना है, नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, तो एक्सेप्टेड होता है वहाँ पे। कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो यूपीएससी ईपीएफओ में का जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था आपको, और वो मतलब जो इंसिडेंट कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहो। मेरा इंटरव्यू देन मतलब लास्ट लास्ट था बिल्कुल, मैं अराउंड 5:15 पे एंटर हुआ था। तो लास्ट में क्या होता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब थक चुके होते हैं इंटरव्यू देके, तो जी जब मैं एंट्री किया तो चेयरमैन सर ने चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया डिस्कशन, तो वो बिल्कुल सीरियस थे, मतलब ऑलमोस्ट मैंने उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए, पर स्टिल उनके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, कोई मतलब ऐसा लगा गुस्से में बिल्कुल वो। तो जबकि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर किए, फिर उन्हें नेक्स्ट सर को पास ऑन किया, तो नेक्स्ट सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कुछ, मैं उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाया, बट स्टिल ही वॉज स्माइलिंग, जैसे मतलब बहुत खुश है वो। जी और जो फिर एक थर्ड मैडम थी, उनका भी रिएक्शन काफी न्यूट्रल था, और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन रिपीट पूछा जो चेयरमैन सर पूछ चुके थे, मतलब चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू लीव दिस करेंट जॉब एंड स्विच टू ईपीएफओ। तो मैंने उसका आंसर ऑलरेडी मतलब चेयरमैन सर को किया था, और मैंने भी इसको रिपीट भी किया था कि हाँ जस्टिफाइड रीजन है, जबकि सेम क्वेश्चन फिर मैडम ने मुझे दोबारा पूछा, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। हो सकता है वो चेक कर रही हो कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ दोबारा सेम क्वेश्चन को। उसके बाद जो फोर्थ मैडम थी, उन्होंने मुझसे ऐसे एनिमल राइट्स के बारे में पूछा, फिर साइक्लोन के बारे में, मतलब ऐसा नहीं कि सेम जनरली क्या होता है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा फिर उससे कंटिन्यू चलता रहता है, पर मेरे में क्या था कि अलग अलग टॉपिक्स बार बार आ रहे थे, कभी एनिमल राइट्स, कभी साइक्लोन, मतलब ऐसा था कि अलग अलग टॉपिक्स आ रहे थे। और वही था कि जो जो वहाँ पे पैनल लोग थे उनके एक्सप्रेशन काफी मतलब वेरिएबल थे, मतलब तो हो सकता है उनके दिमाग में पहले से हुआ कि एक सीरियस रहेगा, एक स्माइलिंग फेस रहेगा,
तो मतलब पर ये है कि मतलब कोई सीरियस भी है तो भी आपको मतलब स्माइलिंग फेस रखना है, और कोई स्माइलिंग भी है तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपको फ्रंट पे बहुत अच्छा जा रहा है, आपको मतलब अपना कामनेस नहीं यूज करना है वहां पे। आलोक, कुछ ऐसा मतलब कुछ सजेशन अगर हम लोग जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जिनके मतलब हाथ में अभी सफलता लगी नहीं, तो उनको अगर आप कुछ सजेशन देना चाहो तो। जैसे कि सर मेरी भी जर्नी काफी लंबी रही है, 17 मैंने पास आउट किया, फिर 22 मार्क्स मेरी जॉब लगी है। तो मतलब ये तो है कि आपको पेशेंस चाहिए होता है, मतलब क्योंकि आप एक यूपीएससी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम में मतलब हर कोई चाहता है कि यूपीएससी क्लियर करे, तो पेशेंस सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये कि आप खुद पर भरोसा रखिए कि हाँ मुझे करना है। और मतलब मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर सिविल्स नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो एक बार ट्रैक चेंज करके देखो, क्या पता कहीं और आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो भगवान ने, तो ये भी चीज देखो। जैसे ईपीएफओ का फॉर्म आया, इससे रिलेटेड कोई और फॉर्म आते हैं तो उनके लिए भी एक बार ट्राई कर लो, क्या पता वहाँ हो जाए। सेकंड चीज ये है कि अपने पेरेंट्स से बातचीत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद आपके फ्रेंड्स भी कहने के सेटल हो गए हैं, तो उनसे बात करो लगता है कि यार वो तो वहाँ गोवा घूम रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, आप घर में बैठे हो, तो वो चीज़ डिप्रेस करती है एक टाइम के बाद। इससे अच्छा है कि अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो। तीसरा ये है कि अपने भगवान पर भरोसा रखो, तो अच्छा ही होता है लाइफ में जो भी होता है। जी बिल्कुल, थैंक यू आलोक, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया एंड इतना अच्छा इनपुट दिया आपने बच्चों के लिए कि क्या करना चाहिए, किस टाइप से मतलब पेशेंस बना के रखना चाहिए। आई होप उनको फायदा मिले इनसे और वो फायदा ले इनसे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपके सिलेक्शन के लिए, एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।